तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आप अपना YouTube का जो अर्निंग है यहाँ पे उसको डॉलर पे शो होता है उसको आप इंडियन रुपीज़ में देखना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे इनेबल कर सकते हो, वो जो सेटिंग है उसको आप कहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, सारा का सारा इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आगे इसी तरह हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए तो मेरे वीडियो को अभी से कर लो लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो लास्ट यहाँ पे एस्टिमेट रेवेन्यू है आपको दिखाता है वो यहाँ पे डॉलर पे दिखाता है। तो अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में देखना चाहते हैं तो उसको आप एक्टिव कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है YT स्टूडियो को ओपन करके, राइट साइड पर एक प्रोफाइल वाला आइकन है उस पर आ जाना है, फिर आपको यहाँ पर सेटिंग वाला एक ऑप्शन आपको दिख जाता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपको नीचे यहाँ पर करेंसी करके आपको दिख जाता है, तो सिंपली करेंसी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो USD डॉलर है, तो आपको क्या कर लेना है ना, स्क्रॉल करते रहना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे INR रुपीज़, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सिंपली आपको INR इंडियन रुपीज़ पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका इंडियन रुपीज़ पे यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एरो वाला ऊपर दिख जाता है बैक करके, तो उसको बैक कर लेना है, फिर से आपको बैक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है 50, यहाँ पे आपको सिंपली रिफ्रेश कर लेना है। तो जैसे ही रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ पे आपका जो एस्टिमेट रेवेन्यू है यूट्यूब से, तो यहाँ पे वो इंडियन रुपीज़ पे दिखा देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना एस्टिमेट रेवेन्यू जो है यूट्यूब का चेंज कर सकते हो, करेंसी चेंज कर सकते हो, तो आप कोई सा भी यहाँ पे कंट्री का आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।